हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चंदन कुमार सिंह। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम लोग आरकेजन को सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1, जॉगल्ड वेल्डेड जॉइंट आर यूज्ड। कहाँ पे यूज़ होता है जॉगल्ड वेल्डेड जॉइंट? सबसे पहले जॉगल्ड वेल्डेड जॉइंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है आपका जॉगल्ड वेल्डेड जॉइंट और ये है आपका लैप जॉइंट। यहां पर देख रहे हैं अपर सरफेस ऑफ दोनों दोनों पीस का अपर सरफेस जो है सेम लेवल पे है। सबसे पहले इस तरह का जॉब प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद यहां पे लाकर इसको वेल्डिंग कर देते हैं। इसको बोलते हैं जॉगल्ड जॉइंट। वे सीवियर लोडिंग इज इनकाउंटर्ड एंड द अपर सर्फेस ऑफ द बोथ द पीसेज मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आर्क वेल्डिंग द आई नीड टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। आर्क वेल्डिंग में आई को किससे बचाना होता है? तो वो प्रोटेक्ट करना होता है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग ए पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज। किस टाइप ऑफ वेल्डिंग में पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन होगा इसमें, करेक्ट आंसर है आपका इलेक्ट्रोस्लैग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होता क्या है? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इसमें रेजिस्टेंस हीटिंग ऑफ मोल्टन स्लैग। मोल्टन स्लैग को जो हीट करते हैं यहाँ पर, उसको हम रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से हीट करते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग की मदद से हीट करते हैं। इनिशियली होता क्या है कि सपोज कि ये एक पार्ट यहाँ है जॉब का और एक पार्ट यहाँ, इन दोनों को हमको वेल्ड करना है। ये बड़ा सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है और इस पार्ट को भी आपको वेल्ड करना है। वर्टिकली इसको इस डायरेक्शन में रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्लक्स पोर करते हैं और इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड जो डिप करते हैं वो डिप करते हैं, ये बॉटम प्लेट है, एक हम प्लेट रखते हैं और इस प्लेट से टकराता है। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से, क्योंकि मेरा वर्कपीस जो है ये कनेक्टेड है नेगेटिव से और मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ड्यू टू कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हीट जनरेट होता है। कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आर्क डेवलप होता है। अब जो एक बार आर्क डेवलप हो गया तो यहाँ पर जो ही मोल्टन मेटल है, जो भी यहाँ पर मेटल है वो पिघल जाता है, मोल्टन स्टेट में रहता है और फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी दोनों मिल करके मोल्टन स्लैग बनाता है, जो कि ऊपर तैरते रहता है, जो कि हल्का होता है उस मेटल से, इसलिए ऊपर तैरते रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये आपका सबसे नीचे में है सॉलिडिफाइड मेटल, उसके जस्ट ऊपर है मोल्टन मटेरियल, ये वेल्ड पूल भी उसको कहते हैं, उसके ऊपर मोल्टन स्लैग है। एक वेल्ड पूल बनाता है यहाँ पर और उसमें वो धीरे धीरे यहाँ पर एक सू लगा हुआ रहता है। ये सू धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे वेल्डिंग सॉलिडिफाई होते जाता है वैसे वैसे ये सू अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करता है। इसमें जो हीटिंग होता है वो रेजिस्टेंस हीटिंग की मदद से स्लैग हीटेड होता है। ए वेल्डिंग प्रोसेस वेयर द फ्यूजन ऑफ बेस मेटल एज वेल एज फिलर मेटेरियल इज अचीव्ड फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोल्टन स्लैग। फ्यूजन ऑफ बेस मेटल फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन ऑफ बेस मेटल प्लस फिलर मटेरियल, जो भी फिलर मटेरियल हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं होगा, अलग से हमको डालना पड़ेगा फिलर मटेरियल, इज अचीव फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मोल्टन स्लैग। मोल्टन स्लैग में जो हीट जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से, उसके वजह से वो पिघलता है, मोल्टन स्टेट में रहता है। वेल्ड पूल इज शील्डेड बाय मोल्टन स्लैग। वेल्ड पूल जो है उसमें शील्डेड बाय मोल्टन स्लैग विच मूव्स अलॉन्ग द जॉइंट एज वेल्डिंग प्रोग्रेस। जैसे जैसे वेल्डिंग प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे वो मोल्टन स्लैग धीरे 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 ऊपर उठता है। द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाई एन आर्क दैट हीट्स अप द फ्लक्स एंड फॉर्म द स्लैग। और वो स्लैग बनाता है, जैसे पहले भी हम बात किए थे कि इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में होता क्या है, तो एक फ्लक्स होता है।
ग्रैनुलेटेड फ्लक्स हम इसमें डाल देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है और मेरा वर्कपीस जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है। जब इसमें कांटेक्ट रेजिस्टेंस जब इसे टकराता है ये, तो कांटेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होता है तो उसके वजह से बेस मेटल और मेरा जो फिलर मेटल अगर हम अलग से यूज़ कर रहे हैं तो फिलर मेटल भी पिघलता है, और पिघल करके ऊपर में आपका स्लैग रहेगा, फिर मोल्टेन मेटल रहेगा, और नीचे में आपका सॉलिडिफाइड मेटल रहेगा। दिस इज ए वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस, ये वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस है, मतलब ये वर्टिकल वेल्डिंग प्रोसेस में ही सिर्फ एप्लीकेबल है ये। द आर्क देन गेट्स एक्सटिंग्विश्ड एंड द मोल्टेन स्लैग प्रोवाइड्स ए कंडक्टिंग पाथ टू द करेंट। द स्लैग रिमेन्स इन द मोल्टेन स्टेट बाई द हीट जनरेटेड बाई इट्स रेजिस्टेंस। स्लैग जो ऊपर में है हमेशा मोल्टेन स्टेट में रहेगा, जैसे 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 आप ऊपर सूख और ऊपर ऊपर की तरफ घसकाइएगा वैसे वैसे मोल्टेन मेटल आपका सॉलिडिफाई होते चला जाएगा और स्लैग ऊपर तैरते हुए रहेगा। द इलेक्ट्रोड रिमेन्स डिप्ड इन द मोल्टेन स्लैग एंड गेट्स मेल्टेड एंड डिपोजिटेड एज द वेल्डिंग प्रोग्रेसेस। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो यूज़ कर रहे हैं वो मे बी कंज्यूमेबल और मे नॉट बी कंज्यूमेबल, वो कंज्यूमेबल हो सकता है और कंज्यूमेबल नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक रोलर लगा होता है, यहाँ पर एक रोलर लगा होता है, उस रोलर पे आकर के ये अगर कंज्यूमेबल है तो कंज्यूमेबल है तो कंज्यूम होते चला जाएगा ये इलेक्ट्रोड। कंज्यूमर मतलब कि अलग से हमें कुछ फिलर मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है, वो कंज्यूम होते चला जाएगा यहाँ पर, और कंटिन्यूसली जैसे 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 आपका यह सॉलिडिफाई होगा वैसे वैसे मेटल ऊपर की तरफ बढ़ेगा ये, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा फेड होते रहेगा। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि वेरी थिक सेक्शन कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास, सिंगल पास में एक बार के पास में बहुत थिक मटेरियल कैन बी वेल्डेड। द मोल्टेन स्लैग बाथ ओवर द वेल्ड पूल एक्ट बोथ एज ए हीट सोर्स एज वेल एज शील्डिंग मीडियम। स्लैग बाथ जो है और वेल्ड पूल दोनों हीट सोर्स का भी काम करता है और एज वेल एज शील्डिंग मीडियम, स्लैग जो है शील्डिंग मीडियम का भी काम करता है। इसका प्लेट थिकनेस जो यहाँ पर है वो हम देख सकते हैं, प्लेट थिकनेस जो है 19 से 460 मिलीमीटर तक को हम इसे वेल्ड कर सकते हैं। जनरली करंट जो यहाँ पर अवेलेबल होता है वो 500 से 700 एम्पीयर यूज्ड विथ 3.2 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड। जो वोल्टेज यूज होता है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रो स्लैग में वो होता है 32 to 55 वोल्ट। अगर इसका हम फिगर देखें तो ये है आपका फिगर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में एक प्लेट जो है 25 मिलीमीटर का है और ये दूसरा है 50 मिलीमीटर का। इन दोनों को हमको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग से दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होते चला जाएगा समय के साथ। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल और वर्क पीस को हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रहे हैं। ये है आपका मोल्टेन स्लैग, ऊपर में मोल्टेन स्लैग रहता है। नेक्स्ट है मोल्टेन वेल्ड मेटल, उसके नीचे मोल्टेन वेल्ड मेटल जो ब्लैक कलर का दिख रहा है मोल्टेन वेल्ड मेटल है, ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है। यहाँ पर दो सू लगा होता है, ये सू है एक और एक सू इस डायरेक्शन में, जिसको हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होते जाते हैं वैसे वैसे सू को हम अपवर्ड डायरेक्शन में खिसकाते रहते हैं विथ ऑटोमेटेड फैशन, ऑटोमेटेड फैशन के द्वारा। ये है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का एग्जाम्पल। ये आपका इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का जो भी फॉर्मेशन होता है वो इस तरह सॉलिडिफाई होता है, ये दो सू है, सू जो है ऑटोमेटिक फैशन से ऊपर की तरफ जाते रहता है। तो अगर हम बात करें इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग पूल ऑफ मोल्टेन मेटल इज यूज, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में। अगर हम बट ज्वाइंट का बात करें, प्लेन और बट वेल्ड मे बी यूज ऑन मेटेरियल अप टू व्हाट थिकनेस। प्लेन और बट वेल्ड जो यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल के लिए कितना थिकनेस तक के लिए यूज़ करते हैं
ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट है। एक पार्ट यहाँ रखा हुआ, एक पार्ट यहाँ रखा हुआ, स्क्वायर बट जॉइंट है। ये सिंगल बीवेल है, ये डबल बीवेल है, यहाँ पर दिख सकता है दोनों तरफ डबल बीवेल है। ये सिंगल वी है, ये डबल वी है, ये डबल यू है, सिंगल यू है, डबल जे है, सिंगल जे है, और क्लोज स्क्वायर है। ये टी जॉइंट और ये फ्लैंज टाइप जॉइंट, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट का ज्योमेट्रिक ज्योमेट्री है ऐसा। नाउ अगर बट जॉइंट हमको करना है तो बट जॉइंट, अगर स्क्वायर बट जॉइंट करना है तो वो 6.35 मिलीमीटर तक हम लोग कर सकते हैं। ये सारा का किया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि 19 अप टू 25 तक ये वैरी करता है। तो 25 मिलीमीटर तक हम इजीली बट जॉइंट कर सकते हैं। बट जॉइंट कैन बी वेज मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली 25 mm। नेक्स्ट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर। इलेक्ट्रोड डायमीटर को सेलेक्ट करना है कि कितना डायमीटर का हमको इलेक्ट्रोड चाहिए, तो वो डिपेंड करता है मेनली ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अगर मान लीजिए थिकनेस ऑफ मटेरियल का थिकनेस बहुत ही कम है और बहुत मोटा हम इलेक्ट्रोड लेके आ जाएँ तो वहाँ पर वो पूरी तरह से कंज्यूम होकर के वो डिफेक्ट पैदा कर देगा। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि पूरी तरह से ये याद रखना है आपको कि मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, वो थिकनेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल के लिए हम लोग कौन सा वेल्डिंग प्रेफर करते हैं, तो अगर एसी या डीसी। बात यहाँ पर आता है कि एसी और डीसी होता क्या है, नाउ जनरली हम लोग इसमें जो यूज़ करते हैं वो हम लोग लो वोल्टेज और हाई करंट यूज़ करते हैं। लो वोल्टेज मतलब कितना वोल्ट, 80 वोल्ट, और हाई करंट मतलब कितना वोल्ट, कितना मतलब 100 to 500,000 एम्पीयर तक यूज़ करते हैं हाई करंट। अब रहा बात कि हम लोग घर में क्या यूज़ करते हैं, तो घर में हम लोग को 220 वोल्ट मिलता है और करंट जो है वो मोस्टली 15 एम्पीयर, 14 एम्पीयर, 10 एम्पीयर इस तरह का करंट मिलता है। तो घर का सिचुएशन ये है कि हम लोग का जो सर्किट लगा होता है, बोर्ड जो लगा होता है, उसमें मोस्टली 15 एम्पीयर का बोर्ड लगा होता है और उसमें भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूम करता है आपका गीज़र हो गया या आपका एसी हो गया, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो घर में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, लेकिन वेल्डिंग के केस में जस्ट इसका रिवर्स होता है। वेल्डिंग के केस में आपका जो वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज होता है और करंट जो होता है वो हाई करंट होता है। अगर हम बात करें हीट का, तो हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। जो हीट यहाँ पर जनरेट होता है ड्यू टू कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से, जब एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से टकराएगा, एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से टकराएगा, मान लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से टकराएगा तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के वजह से हीट जो जनरेट होगा वो हीट है आई स्क्वायर आर। अब चूंकि हमको ज़्यादा हीट चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच वो रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है वो रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट सेम है और वो मिनिमम है, कांस्टेंट है, मतलब कि वो करंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेजिस्टेंस है। अब रहा बात करंट का, तो करंट अगर 100 एम्पियर का है तो 100 का स्क्वायर टाइम्स और जो भी रेजिस्टेंस है 0.1 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो वो मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना जूल अमाउंट ऑफ आपका हीट जनरेट करेगा। तो हीट जनरेट करने के लिए हमें करंट का वैल्यू हाई चाहिए और वोल्टेज जो है वो कम चाहिए, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट। अब बात करते हैं डीसी और एसी में। डीसी जो होता है उसमें वोल्टेज हो या करंट हो, टाइम के साथ जो उसका वेरिएशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता। लेकिन इन केस ऑफ डीसी में आप अगर देख रहे हो तो कांस्टेंट आता है हमेशा,
हमेशा वो अपर साइकिल में ही देखने को मिलता है हमको। लेकिन इन एसी में टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर अगर कोई इलेक्ट्रोड है और उसको आप एसी से कनेक्ट कर दिए हैं, एसी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इतना जब ऐसा रहेगा अपर हाफ में ये जोन रहेगा तो उस वक्त ये प्लस है और ये नीचे जो भी वर्कपीस है वो निगेटिव जुटा हुआ है। लेकिन अगर उल्टा साइकिल में चल रहा है तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया और नीचे जो वर्कपीस है वो प्लस हो गया। और जब एसी से कनेक्ट करते हैं किसी प्लेट को तो उसका मतलब ये है, एसी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव देते हैं मतलब गर्म देते हैं और इसको ठंडा देते हैं, आप इसको अर्थिंग देते हैं, तो इसमें इसमें भी प्लस देते हैं, इसमें माइनस नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। इसमें हम लोग मेनली जो ही तो आपका प्लस है और इसमें जो भी है आपका अर्थिंग जो है वो आके जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो इसका वेव है, वेव पैटर्न, वो बहुत ही वो फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, इस तरह से फ्लक्चुएट करते रहता है। जो जो इसका मेल्टिंग रेट भी है वो भी बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। इसमें जो वेल डिपॉजिट है वो कांस्टेंट है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब रहा बात कि हम हमेशा ये प्रीफर करेंगे वेल्डिंग में कि डीसी हो, हमेशा ये प्रीफर करेंगे कि डीसी हो, क्योंकि डीसी में बहुत ही स्टेबल आर्क हमको मिलता है हमेशा। अब नाउ अगर हम स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं, स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमेशा हम डीसी प्रीफर करेंगे, और एल्यूमिनियम अलॉय कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए एसी प्रीफर करेंगे। नाउ अब रहा बात कि आर्क वोल्टेज, आर्क वोल्टेज जो होता है वो आर्क वोल्टेज इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क। जो आर्क वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हुआ वो अक्रॉस द आर्क कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको हम आर्क वोल्टेज बोलते हैं। सपोज कीजिए करंट कहीं ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया तो हीट भी ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग रेट भी ज़्यादा होगा, मेल्टिंग रेट ज़्यादा होगा तो डिपोजिशन रेट भी ज़्यादा होगा। अब नाउ बात हम करते हैं कि अगर यहाँ पर डीसी में दो तरह का बात हो सकता है, डीसी में दो तरह का बात हो सकता है, एक होता है डीसीईएन डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव अगर है कनेक्टेड है तो उसको हम डीसीईएन बोलते हैं। डीसीईएन हम यूज़ करते हैं जब डीप पेनिट्रेशन चाहिए एंड फास्ट वेल्डिंग स्पीड चाहिए तो, और तो उस वक्त डीसीईएन जब यूज़ करते हैं उसमें हीलियम एज ए वेल्डिंग गैस हम लोग यूज़ करते हैं। ये जनरली यूज़ करते हैं थिकर मटेरियल के लिए या थिकर प्लेट के लिए, मोटा प्लेट है तब के केस में हम लोग डीसीईएन यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में डीसीईएन में ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉट टेक्स प्लेस, ओवर हीटिंग नॉट टेक्स प्लेस। अभी डीसीईएन के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यह डीसीईएन मतलब इलेक्ट्रोड जो है आपका वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड निगेटिव से जुड़ा हुआ, जब इलेक्ट्रोड निगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है और वर्कपीस जो है आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेट पोलारिटी भी बोलते हैं उसको। अब ना इस पर्टिकुलर केस में होगा क्या, तो चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वो ऊपर से नीचे आता है तो तेज़ी से वो बम्बार्डेड करेगा इसके ऊपर, तेज़ी से वो बम्बार्डेड करेगा, जब बम्बार्डेड करेगा तो उस वक्त हीट जो जनरेट होगा प्लेट का वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ, यदि मान लीजिए आप रिवर्स पोलारिटी यूज़ करते हैं, डीसीईपी यूज़ करते हैं, तब के केस में क्या होता है कि जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, माइनस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका इलेक्ट्रोड जो है वो ज़्यादा गर्म होगा और इस पर्टिकुलर केस में आपका वर्क पीस ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है ऊपर से नीचे की तरफ इसमें बम्बार्डेड कर रहा है तो वर्क पीस पे ज़्यादा ज़्यादा पेनिट्रेट हो रहा है, मतलब कहने का मतलब वर्क पीस में ज़्यादा हीट वो जनरेट करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर में चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वर्क पीस में कम हीट जनरेट होगा और आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा गर्म होगा, तो ये है डीसीईपी। तो यहाँ पर हम एक बात आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कि डीसीईक्यू जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोड नेगेटिव, जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव था तब जो हीट जो जनरेट हुआ था प्लेट में, और जब यहाँ पे हीट जनरेट हुआ था प्लेट में जब डीसीईपी यूज़ किए थे तो डीसीईपी जो हीट यहाँ पर जनरेट हुआ प्लेट में वो कम जनरेट हुआ था और यहाँ पर जो जनरेट हुआ था वो बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ था। तो डीसीईपी यूज़ करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोड ज़्यादा गर्म होता है और डीसीईएन यूज़ करते हैं तो मेरा वर्क भी ज़्यादा गर्म होता है। अब नाउ बात करते हैं फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम।
अल्मुनियम को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग एसी यूज़ करते हैं, अल्मुनियम या मैग्नीशियम। क्यों एसी यूज़ करते हैं? क्योंकि अल्मुनियम ऑक्साइड बहुत ईजिली फॉर्म हो जाता है अल्मुनियम के ऊपर, तो वेल्डिंग करने से पहले हम मेरा काम ये है कि अल्मुनियम ऑक्साइड को हम रिमूव करें। तो प्रोवाइड ए कैथोड क्लीनिंग, जिसको स्पटरिंग भी बोलते हैं, ऑफ वेल्ड पूल, रिमूव द रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड। ऑक्साइड को रिमूव करता है, अल्मुनियम ऑक्साइड जो बन गया है अल्मुनियम के ऊपर उसको रिमूव करना है। तो ये रिमूव होगा कैसे? तो रिमूव होने के लिए हम लोग DCEP अगर यूज़ करते हैं, अगर DCEP यूज़ करते हैं मतलब ये केस यूज़ करते हैं, तो इसमें देखने को ये मिलता है हमको कि DCEP इज़ बेस्ट फॉर कैथोडिक क्लीनिंग, क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वो बाहर की तरफ ढकेल देगा, बाहर भेज देगा। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में होता है क्या कि टंगस्टन जो है अगर हम यहाँ पर टंगस्टन है, अगर टिक वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो टंगस्टन यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड हीटेड अप होगा, और इलेक्ट्रोड हीट होने के बाद इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा एज ए डिफेक्ट, एज एन इम्प्योरिटीज। बट इन केस अगर हम DCEN यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में निगेटिव चार्ज जो होगा ऊपर से नीचे की तरफ आपका जाएगा, निगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और वर्क पीस को ज़्यादा गलाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोड हीट जो होगा, इलेक्ट्रोड का जो हीटिंग होगा वो घटेगा और कंटामिनेशन ऑफ टंगस्टन डिक्रीज होगा। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है तो उसका कंटामिनेशन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क पीस मेल्ट हो रहा है ना कि आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है। एंड इस पर्टिकुलर केस में लेस रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है कम रिमूव होता है। तो इसको तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, जब इसको यूज़ करेंगे तब हमारा इलेक्ट्रोड मेरा गर्म हो जाएगा, और जब इसको यूज़ करेंगे तो मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं निकलेगा वहाँ से। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एसी यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ सेम प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग एसी यूज़ करते हैं। बट हम ये जानते हैं कि हमेशा हम लोग डीसी इज़ मोस्ट प्रिफरेबल, क्योंकि डीसी स्टेबल होता है। डीसी क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, इन हायर एसी करंट करंट आर स्मूथर आर्क, हायर एसी का एसी अगर देंगे तो स्मूथर आर्क मिलेगा, लेकिन डीसी जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। डीसी जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। एसी में क्या होता है? नो आर्क ब्लो, आर्क ब्लो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आर्क ब्लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, डीसी कैन बी प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग फॉर सर्टेन नॉन फेरस मेटल और एलॉय, कुछ ही नॉन फेरस मेटल के लिए डीसी ज़्यादा प्रिफरेबल है। लेकिन एसी जो है वो ऐसे भी हम लोग जनरली सिर्फ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम एसी यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग हमेशा डीसी को ही प्रिफर करते हैं। तो हमारे लिए नॉन फेरस के लिए अगर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में, तो वो जनरली हम वो डीसी ही यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल और बाय आर्क वेल्डिंग, तो जनरली हम वो डीसी ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम लिख देता तब हमको एसी मारना पड़ता। नेक्स्ट है, इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोड ये वर्क पीस है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के वजह से आर्क डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जनरली कितना होता है? इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये होता है कि जब वेल्डिंग करना हम चालू नहीं किए हैं और वेल्डिंग जो इक्विपमेंट है मेरे पास वो रखा हुआ है और उसको मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं उस वक्त उसका वोल्टेज, तो जो वोल्टेज बताता है हमको उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होता है? एसी वेल्डिंग का इक्विपमेंट अगर देखेंगे हम, आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट देखेंगे, तो यहां पर एन आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स इज डेजिग्नेटेड बाय चेंजिंग एम्पियर करंट इनटू द सेफ लो वोल्टेज। लो वोल्टेज कितना? 50 to 100 वोल्ट और इवन 500 से ज़्यादा करंट। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, जब पावर हम लोग दे नहीं रहे हैं तो 50 से 100 वोल्ट के बीच बोल रहा है और करंट जो है वो 500 एम्पीयर तक हो सकता है। लेकिन अब रहा बात कि यदि जब वेल्डिंग हो रहा है तब क्या होगा, तो जिन यहाँ पर ये
जनरेटर सप्लाई वोल्टेज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 15 टू 45 वोल्ट अक्रॉस द आर्क। 15 से 45 वोल्ट जब वोल्टेज जब वहाँ वेल्डिंग हो रहा है तो उस अक्रॉस आर्क का जो वोल्टेज है वो 15 टू 45 वोल्ट अक्रॉस द आर्क होता है। एंड ओपन सर्किट वोल्टेज 50 टू 100 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज 50 टू 100 वोल्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज 50 टू 100 वोल्ट। और जब वहाँ आर्क में आर्क वोल्टेज जो अगर बात कर रहे हैं जब वेल्डिंग वहाँ पर हो रहा है उस वक्त उसका वोल्टेज जो है वो 15 टू 45 वोल्ट अक्रॉस द आर्क। एंड करेंट आउटपुट विल वैरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट। तो ये दो बात याद रखना है आपको कि ओपन सर्किट जो वोल्टेज होता है वो होता है 50 से 100 तक, और जब बिल्डिंग प्रोसीड होता है बिल्डिंग ये होती रहता है तो उस वक्त उसका जो वोल्टेज होता है वो 15 से 45 वोल्ट, 15 से 45 वोल्ट। तो यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ आर्क वेल्डिंग इज ऑर्डर ऑफ 40 to 95, मतलब हम कह सकते हैं कि 50 to 100 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। अगर एक इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग चढ़ा होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग चढ़ा होता है वो किस चीज़ का कोटिंग रहता है। तो इस कोटिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, इस कोटिंग को बोलते हैं फ्लक्स। ये फ्लक्स प्लस जिसको वेल्डिंग कर रहे हैं उस वर्क पीस के ऊपर में जो इम्प्योरिटीज़ है ये फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी दोनों मिल जाएगा तो फॉर्म करेगा स्लैग। और स्लैग जो है वो इम्प्योरिटी को अंदर आने से रोकता है, वो मतलब ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकता है ताकि कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्साइड एज एक्ट एज एन इम्प्योरिटीज विद इन द बेस मेटल, बेस मेटल के अंदर वो इम्प्योरिटी जैसा काम करता है। नाउ नेक्स्ट है प्लग वेल्ड, प्लग वेल्ड ज्वाइंट इज यूज। प्लग वेल्ड ज्वाइंट होता क्या है, तो प्लग वेल्ड ज्वाइंट पहले उसको देख लीजिए, प्लग वेल्ड ज्वाइंट होता है क्या है। ये प्लग वेल्ड ज्वाइंट है, जैसे कि मान लीजिए एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से वेल्ड करना है लेकिन वो इस फॉर्मेट में वेल्ड होना चाहिए कि, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है इसका रिमूव कर लेते हैं और वहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोड है उसको यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ से होता है क्या, कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आर्क डेवलप होता है, आर्क डेवलप होता है तो ये इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है और यहाँ पर वो इस तरह का एक नगेट बनाएगा जो कि जस्ट लाइक रिवेट, रिवेट जैसा होगा। रिवेट रिवेट ज्वाइंट भी आपको देखने को इसी तरह का मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रिवेट। तो फाइनली उसका जो ज्वाइंट प्रिपरेशन होता है प्लग का, प्लग ज्वाइंट का, वो ऐसा होता है जो दिखने में जैसा है एकदम रिवेट जैसा लगता है। प्लग ज्वाइंट टू ज्वाइन द पीस ऑफ मेटल इन द सेम मैनर एज द रिवेट ज्वाइंट, रिवेट मेटल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम किस में यूज़ करते हैं, तो जनरली नॉन कंज्यूमेबल में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें दो ही तरह का बात पूछेगा क्वेश्चन में, या पूछेगा टिक वेल्डिंग से या पूछेगा मिग वेल्डिंग से। मिग में जो यूज़ करते हैं हम लोग वो कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं, और टिक में यूज़ करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में टंगस्टन अगर कंज्यूम हो जाएगा आपका वर्कपीस में तो वो एज एन इम्प्योरिटी के फॉर्म में वो कंज्यूम होगा, तो इससे आपका वेल्डिंग भी कमज़ोर होगा और जो है टंगस्टन भी ज़्यादा खपत होगा, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें इसको शॉर्ट में GTAW भी बोलते हैं या TIG टिक भी बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। जो जब टंगस्टन यूज़ करते हैं तो उस वक्त जो इनर्ट गैस यूज़ करते हैं वो ऑर्गन यूज़ करते हैं, यहाँ पर अलग से फिलर मटेरियल हमको डालना पड़ता है जो कि वही फिलर मटेरियल हो सकता है जो कि बेस मटेरियल है, बेस मटेरियल। यहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल है, ये ध्यान रखना है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है नॉन कंज्यूमेबल है। इलेक्ट्रोड को और वर्कपीस में हम एसी पावर सोर्स या डीसी पावर सोर्स कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल एंड
कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है और कंटिन्यूअस होता है, मतलब लंबा इलेक्ट्रोड होता है आपके पास, इधर रोलर कहीं लगा होता है और उधर वहाँ रोल किया हुआ रहता है वो। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड यहाँ पर मेल्ट होता है वैसे वैसे रोलर फेड करता है आपको इलेक्ट्रोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। शील्डिंग गैस इज डन बाय द इंजेक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस, ऑर्गन और हीलियम, ऑर्गन या सिंपली हीलियम या दोनों का मिक्सचर। शील्डिंग गैस को हम लोग जो भेजते हैं वो यहाँ पर जो नोजल टाइप बना हुआ है, इस नोजल टाइप के थ्रू हम लोग शील्डिंग गैस प्रोवाइड करते हैं आइदर आर्गन और हीलियम। हीट फॉर फ्यूजन इज जनरेटेड फ्रॉम एन आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। बेस मेटल और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आर्क डेवलप होता है और वो आर्क की वजह से वहाँ हीटेड हीट हो जाता है, हीटेड हीट जनरेट होता है। इफ़ द टेम्परेचर इज हाई, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, देन स्लोली द टंगस्टन वायर गेट्स कंज्यूम्ड, स्लोली टंगस्टन वायर कंज्यूम होगा एंड गोइंग इन टू द वेल्ड मेटल। सो टंगस्टन इलेक्ट्रोड चेंजेस टाइम टू टाइम बट आइडियली देयर इज नो कंजम्पशन। आइडियली टंगस्टन का कोई कंजम्पशन नहीं होता, लेकिन सपोज कीजिए कि आप डी सी ई पी यूज़ कर रहे हैं, तो डी सी ई पी में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और वर्क पीस को नेगेटिव करने के डी सी ई पी, जिसको रिवर्स पोलारिटी भी हम लोग बोलते हैं, डी सी ई पी इलेक्ट्रोड जो आपका पॉजिटिव, तो निगेटिव चार्ज जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रोड हीटेड अप होगा, और इलेक्ट्रोड अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो कंटामिनेशन के फॉर्म में वर्क पीस में आकर के डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो कह रहा है कि वेल्डिंग मतलब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉर अवॉइडिंग द टंगस्टन कंजम्पशन वी यूज द कूलिंग अरेंजमेंट अराउंड द टंगस्टन इलेक्ट्रोड चारों तरफ कूलिंग अरेंजमेंट भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि टंगस्टन का जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन कम हो। इट इज ए मैनुअल प्रोसेस, ये मैनुअल प्रोसेस है। इन वन हैंड देयर इज फिलर मेटल एंड अदर हैंड ए टॉर्च, टॉर्च जिससे आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ फेड होगा, जो कि टॉर्च में प्रोविजन होता है इनर्ट गैसेस को भी अंदर डालने का। सो इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। इट कैन बी यूज बोथ फॉर फेरस एंड नॉन फेरस, ये दोनों के लिए यूजफुल है, फेरस के लिए भी और नॉन फेरस के लिए भी। टंगस्टन वायर इज इजिली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, हेंस शील्डिंग गैस ऑल्सो प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रोड एट हाई टेम्परेचर। शील्डिंग गैस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड को भी और साथ साथ बेस मेटल को भी, वर्क पीस को भी, दोनों को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन होने से। ऑपरेटिंग वेरिएबल जो यहाँ पर है तो वो है आर्क वोल्टेज, वेल्डिंग करेंट, वेल्डिंग स्पीड, शील्डिंग गैस, इलेक्ट्रोड टाइप, पोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहले वेल्डिंग करंट का अगर हम बात करें तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वेल्डिंग करंट के बारे में, कि अगर डीप पेनिट्रेशन चाहिए हमको, डीप पेनिट्रेशन मतलब चाहिए और फास्ट वेल्डिंग स्पीड चाहिए, तो डी सी ई एन हमको मोस्ट प्रिफरेबल है, क्योंकि डी सी ई एन में इलेक्ट्रोड जो होता है वो निगेटिव होता है और वर्कपीस जो होता है पॉजिटिव होता है। वर्कपीस पॉजिटिव होता है तो अगर हमको चाहिए डीप पेनिट्रेशन तो नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो डीप पेनिट्रेशन हमको देगा, डीप पेनिट्रेशन यहाँ पर देखने को हमको मिलेगा। कब? जब डी सी ई एन यूज़ करते हैं तब, और स्पेशली विथ हीलियम क्योंकि हीलियम जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग गैस है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वो, तो हीलियम। थिकर मटेरियल के केस में जब हमको ज़्यादा पिघलाना हो उसको, थिकर मटेरियल ज़्यादा पिघलाना हो तो उस केस में डी सी ई एन यूज़ करते हैं। ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज नॉट टेक प्लेस, इस केस में ओवरहीटिंग नहीं होता है, लेकिन डी सी ई पी अगर यूज़ करते हैं हम, डी सी ई पी का मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस नेगेटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और आपका इलेक्ट्रोड जो है वो पिघलेगा, क्योंकि माइनस नेगेटिव चार्ज का जो बम्बार्डेड होगा नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो इलेक्ट्रोड जो होगा वो गर्म होगा, इलेक्ट्रोड जो गर्म होगा तो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा। और ये हम यूज़ करते हैं जब हमको बेस मेटल जो ये वर्क पीस है उसको कम पिघलाना है, कम कब पिघलाना है, जब थिनर मेटेरियल के केस में डी सी ई पी यूज़ करते हैं हम लोग। एसी देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल होता है उसमें, एसी में, और डीसी में कंटिन्यूअस साइकिल होता है, सो कांस्टेंट करंट सप्लाई डीसी में करना पड़ता है हमको, लेकिन एसी में चूंकि कहीं कभी प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, फिर अगला हाफ साइकिल में ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला करके हम ये देख सकते हैं
ये तो पहले भी देख चुके हैं अभी हम। ये है DCEN, DCENEEP, DCEP, ये प्लस DCEP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, DCEP मतलब रिवर्स पोलैरिटी, और ये माइनस। अगर ये प्लस है माइनस है तो आपका निगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज ऊपर नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, तब मतलब अल्मोनियम ऑक्साइड नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, जो भी आप इम्प्योरिटी अल्मोनियम ऑक्साइड रहेगा वो रिमूव होगा, और इस पर्टिकुलर केस में आपका टंगस्टन जो वायर है वो ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होगा तो पिघलेगा, पिघलेगा तो टंगस्टन का कंटामिनेशन होगा, कंटामिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस साइकिल में क्या हो जाता है, इस साइकिल में जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है कम हीट होता है, हीट रिड्यूसेस, टंगस्टन कंटामिनेशन भी रिड्यूस होता है, और लेस रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कम रिमूवल होता है क्योंकि निगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन करेंगे तो जो बनेगा हमको उसको, इसको इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं AC। AC में एक साइकिल में आपका ये फॉलो करेगा और दूसरे साइकिल में ये फॉलो करेगा, मतलब कह सकते हैं AC वेव फॉर्म अगर हम बनाएं तो यहाँ पर प्लस है और दूसरा माइनस है, तो पहले प्लस था ये वाला टर्मिनल, वो कुछ देर के बाद माइनस हो जाता है, और फिर वो प्लस हो जाता है, और फिर वो माइनस हो जाता है, इस तरह से वो चेंज हो करते रहता है विद इन ए मिली ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चेंज होता है, ये फॉर्म चेंज होता है, तो जो आपका मेल्टिंग रेट है वो आपका डिस्टर्ब होता है, वो आपका रिमूव होता है, तो लेस मेल्टिंग ऑफ बेस मेटल इस पर्टिकुलर केस में आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ AC, जब हम AC यूज़ करेंगे तब। तो विथ AC टू हैव स्पटरिंग इफेक्ट ऑर्गन हैज़ टू बी यूज फॉर शील्डिंग गैस, जब AC यूज़ करेंगे तो हमको ऑर्गन यूज़ करना होगा एज ए शील्डिंग गैस। स्पटरिंग मतलब कैथोडिंग क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब अल्मोनियम ऑक्साइड को रिमूव करना जिसको हम स्पटरिंग भी बोलते हैं, डज नॉट टेक्स प्लेस विथ हीलियम। हीलियम जब रहेगा तो वो ज़्यादा हीट को कंज्यूम करेगा तो वहाँ पर स्पटरिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम AC यूज़ करते हैं या DCEN यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जब AC यूज़ करते हैं या DCEP यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमको ऑर्गन यूज़ करना होगा। तो अगर DCEN यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मतलब वर्क भी ज़्यादा पिघलाना है हमको, तो उस वक्त हीलियम यूज़ करते हैं। पोलारिटी ऑलमोस्ट ऑलवेज DCEN यूज, हमेशा DCEN यूज करते हैं, डायरेक्ट करेंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल पोलारिटी भी बोलते हैं। विथ DCEN अप्रोक्स 70% ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द प्लेट, मतलब एनोड में, DCEN में ये है जो DCEN में ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, तो 70% जो हीट जनरेट होता है वो एनोड में जनरेट होता है और 30% जो हीट जनरेट होता है वो यहाँ पर जनरेट होता है आपका इलेक्ट्रोड में। फॉर ए गिवन करेंट एट डीपर पेनिट्रेशन, गिवन करेंट में डीपर पेनिट्रेशन हमको चाहिए तो डीपर पेनिट्रेशन के लिए हम लोग DCEN यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू DCEP। DCEP इज जनरली लिमिटेड टू वेल्डिंग शीट मेटल, शीट मेटल मतलब बहुत ही पतला मेटेरियल है उसको वेल्ड करना है, तो DCEP यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस निगेटिव, तो माइनस चार्ज नीचे से ऊपर जाएगा तो ज़्यादा हीटेड होगा आपका आपका इलेक्ट्रोड, वर्कपीस आपका कम मेल्ट होगा, तो हम लोग इस पर्टिकुलर केस में थिनर मटेरियल केस में DCEP यूज़ करते हैं। स्टील के केस में हमेशा DCEN यूज़ करते हैं, हमेशा स्टील के केस में DC तो ऐसे ही प्रिफरेबल है, लेकिन स्टील के केस में, माइल्ड स्टील के केस में हमको ज़्यादा मेल्ट करना होता है इस बेस मेटल को ताकि अच्छे से फ्यूज़ हो जाए, तो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं DCEN, इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोड नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जाएगा नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब वो इसको आसानी से यहाँ पर कंज्यूम कर लेगा। नाउ कैथोडिक क्लीनिंग का बात वहीं आता है जहाँ पर एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो तो उस केस में कैथोडिक क्लीनिंग का जरूरत पड़ता है, और कैथोडिक क्लीनिंग के लिए हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करना होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रिफरेबल है DCEP या DCEP के अलावा AC पावर सोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि एक बार आपका ये पिघलेगा और दूसरा बार आपका इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड जो होगा गर्म होगा। फिर फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि आपका वेस्ट मटेरियल ज़्यादा पिघलेगा और सेकेंड हाफ साइकिल में आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलेगा, तो कुल मिला के बैलेंस होकर चलता है। तो इसलिए कह सकते हैं विथ एसी पावर सोर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डीसीईपी एंड डीप पेनिट्रेशन डीसीईएन यूज। अगर क्लीनिंग एक्शन चाहिए हमको जो जो कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ जनरली होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इजिली एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और मैग्नीशियम भी इजिली मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, या फिर उसको रिफ्रैक्ट्री ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, उसको ईजिली वहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग एसी पावर सोर्स यूज़ करते हैं। लेकिन डीसीईपी एसी पावर सोर्स या डीसीईपी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डीप पेनिट्रेशन चाहिए तो हमको डीसीईएन यूज़ करना पड़ता है। और स्टील के केस में हमेशा डीसीईएन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड नेगेटिव डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होना चाहिए और वर्कपीस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा यूज़ करते हैं स्टील के केस में, माइल्ड स्टील हो या कोई भी स्टील हो तो ये यूज़ करते हैं जनरली। With AC generally argon shielding gas is used for welding aluminium. Better arc starting, better cleaning action, superior weld quality than with the help of shielding gas. Steel में अगर steel use कर रहे हैं तो shielding gas में helium use करना पड़ेगा। तो aluminium के लिए shielding gas argon, AC aluminium, AC argon, और steel के लिए shielding gas helium. Helium generates higher heat. अब रहा बात आर्क वोल्टेज का, अगर हम बात करें आर्क वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा। आर्क वोल्टेज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द वेरिएबल, इन सब पे डिपेंड करता है, वेल्डिंग करंट कितना दे रहे हैं, शेप ऑफ द वेल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड टिप कैसा है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड टिप एंड वर्कपीस, टाइप ऑफ सेकेंडरी गैस शील्डिंग गैस जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, वो कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं, इन सब पे आपका आर्क वोल्टेज डिपेंड करता है। आर्क वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ अक्रॉस द आर्क कितना वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ। तो आर्क लेंथ अगर बढ़ेगा, आर्क लेंथ बढ़ेगा तो आर्क वोल्टेज भी बढ़ेगा, मतलब ये आर्क लेंथ अगर बढ़ गया तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, आर्क वोल्टेज में ड्रॉप भी बहुत होगा। तो लेकिन हमेशा ड्रॉप नहीं होगा, एक लिमिटेड पीरियड में ड्रॉप होगा। और आर्क वोल्टेज बढ़ाने से, आर्क वोल्टेज आर्क लेंथ बढ़ाने से इस पर्टिकुलर केस में आपको दिख रहा है कि आर्क लेंथ इतना ज़्यादा है, इसमें आर्क लेंथ इतना ज़्यादा है, इसमें आर्क लेंथ इतना ज़्यादा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो वाइडर विड्थ मिल रहा है, विड्थ जो है वोल्टेज बढ़ाने से, आर्क वोल्टेज बढ़ाने से हमको विड्थ बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक। उसके बाद जैसे और अगर आगे बढ़ाएं हम आर्क वोल्टेज और बढ़ाएं, मतलब आर्क लेंथ बढ़ रहा है मतलब आर्क वोल्टेज बढ़ रहा है, आर्क वोल्टेज और हम बढ़ाएं और आर्क वोल्टेज बढ़ाएं तो इस पर्टिकुलर केस में आपको दिख रहा है विड्थ घट रहा है, फिर विड्थ घट रहा है, विड्थ जो है इसका वो घट रहा है। तो एक ऐसे तो हम जनरली जानते हैं कि जब वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो विड्थ भी बढ़ता है, विड्थ मतलब बीड का जो विड्थ है वो भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो बीड का विड्थ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं यहाँ और बढ़ा रहे हैं तो विड्थ भी घटना शुरू कर देता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क वोल्टेज, आर्क लेंथ अगर बढ़ेगा तो आर्क वोल्टेज भी बढ़ेगा। वेल्ड पुल विड्थ रिमेंस कॉन्स्टेंट बिफोर द आर्क लेंथ रीचेज टू ए सर्टेन वैल्यू, बियॉन्ड वैल्यू विथ इंक्रीजिंग आर्क लेंथ पुल विड्थ स्टार्ट डिक्रीजिंग, वंस द आर्क लेंथ एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू, एक बार आर्क लेंथ आपका क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, द आर्क स्प्रेड बिगिन्स टू कॉन्सेंट्रेट द बैक साइड बीड विड्थ बिकम्स लार्ज। यदि वेल्डिंग आर्क बहुत छोटा है, वेल्डिंग आर्क बहुत छोटा है तो उसका मतलब शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांसेस वहाँ बढ़ जाता है और द इलेक्ट्रोड गेट डैमेज, इलेक्ट्रोड डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए बहुत छोटा भी नहीं रखना है और बहुत बड़ा भी नहीं करना है। वेल्डिंग स्पीड से रिलेटेड बात की, वेल्डिंग स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वेल्डिंग स्पीड बढ़ाने से दो बात हो सकता है, वेल्डिंग स्पीड अगर बहुत स्लो है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा, ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन वेल्डिंग स्पीड अगर बढ़ा देंगे मतलब फास्ट बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं मतलब बहुत कम समय लगा रहे हैं वहाँ पर, बहुत कम समय लगा रहे हैं बहुत कम पिघलेगा वहाँ पर, मतलब बहुत कम पेनिट्रेशन होगा। तो वेल्डिंग स्पीड अगर घटाएंगे
तो विड्थ आपका बढ़ेगा और डेप्थ भी आपका बढ़ेगा। स्पीड अगर घटाएंगे तब, मतलब बहुत स्लोली कर रहे हैं तो विड्थ जो इसका है, विड्थ भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वेल्डिंग स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो विड्थ और डेप्थ दोनों का दोनों कम होगा। तो ये कॉमन सेंस का बात है। नेक्स्ट, तो यहां पर हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टीक वेल्डिंग। व्हेन वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, जब वेल्डिंग होता है तब उस वक्त वोल्टेज कितना रहता है? तो जब वेल्डिंग होता है तो अभी हम देखें जो वोल्टेज रहता है वो 18 to 40 volt रहता है। अभी प्रीवियसली देखे थे हम लोग। फॉलोइंग गैसेस यूज इन टंगस्टन गैस वेल्डिंग। टंगस्टन में हम कौन कौन से यूज करते हैं? तो ऑर्गन एंड हीलियम, ऑर्गन और हीलियम यूज करते हैं। अभी देखें, नेक्स्ट है टी ज्वाइंट वेल्ड यूज। टी ज्वाइंट होता क्या है? तो टी ज्वाइंट तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, टी ज्वाइंट होता क्या है? दिस इज द टी ज्वाइंट। यहाँ नोटिस कीजिए, एक प्लेट आपका ऐसे है तो दूसरा प्लेट उसका जस्ट 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर जो वेल्डिंग करते हैं इस तरह के वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट आर यूज टू वेल्ड टू प्लेट्स और सेक्शन हुज सरफेस आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री टू ईच अदर एट द ज्वाइंट। ए प्लेन टी ज्वाइंट वेल्ड फ्रॉम बोथ साइड एज सोन इन द फिगर। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बेवल इज इन द प्रिपरेशन ऑफ टी ज्वाइंट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ द रिक्वायर्ड फॉर द बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट के लिए जितना जरूरत पड़ता है, जितना यहाँ पर बेवल करने का, उससे कम ही यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से कर रहे हैं वेल्डिंग। तो टी ज्वाइंट जो है उस पर टू ज्वाइन टू पीस परपेंडिकुलरली, ऑप्शन कुछ और दिया है लेकिन सही ऑप्शन यही है। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिग वेल्डिंग। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मिग वेल्डिंग।